हेलो गाइस, शिल्पी फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं नारियल के लड्डू बिना मावा बिना चाशनी के। तो चलिए फटाफट, सिर्फ 10-15 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई रख ली है, इसमें डालेंगे घी, जितना नारियल हो उसी के अनुसार 3-4 चम्मच। मेरा तो 100 ग्राम नारियल था, मैंने पहली बार ट्राई कर रही हूँ, कहीं बिगड़ गए तो कोई गलत वो नहीं, तो इसीलिए मैंने पहली बार ट्राई किए हैं। तो ये देखिए नारियल डाल दिया है घी में, तो इसको थोड़ी देर तक चलाएंगे इसको, थोड़े इसमें अच्छी सी स्मेल आने लगे तब तक इसको चलाते रहेंगे। तो आगे बने रहिए ब्लॉग में, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। बच्चों का मन करे तब तुरंत फटाफट बना दो, कुछ मीठा खाना हो और घर में मिठाई ना हो, कोई आया रिश्तेदार आने को हो तो तुरंत ये बन जाती है। नहीं लोग जा पाते बाज़ार, घर में कोई नहीं, कैसे जाएं क्या करें। तो बच्चों को बहुत पसंद हो, मेरे बच्चों को तो बहुत मीठा पसंद है खाने को, तो कुछ नहीं तो मैंने कहा चलो नारियल के लड्डू बनाते हैं। तो इधर देखिए कलर आ गया है, हल्का सा मैंने भून लिया है नारियल को। तो आगे आप लोग भी बने रहिए, देखिए। तो इधर मैंने 1 कप दूध डाला है, 100 ग्राम नारियल में 1 कप दूध डाल दिया। तो थोड़ी देर तक दूध को नारियल इसी में थोड़ा मिल जाएगा अच्छे से, तब तक चलाएंगे। थोड़ा मुझे कम लगा और डाल दिया। तो देखिए आगे तक, जैसे सूजी नहीं फूल जाती है वैसे ही नारियल फूल जाएगा, तब तक चलाते रहेंगे, अच्छे से मिल जाएगा दूध में। तो आगे बने रहिए, देखिए फटाफट कैसे बनते हैं। तो ये देखिए दूध भी मिल गया अच्छे से, पूरा नारियल ने सोख लिया है दूध को, अच्छे से मिल गया है। फिर इसमें डालेंगे हम चीनी, 1 कप चीनी भी मैंने डाली है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मीठा खाते नहीं हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। तो तब तक चलाएंगे जब तक चीनी न मिल जाए इसमें अच्छे से, तब तक चलाते रहेंगे। ये देखिए चीनी भी मिल गई है, तो बस रेडी होने वाले हैं मेरे लड्डू। तब तक चलाते रहिए, नहीं तो चलाना बंद कर देंगे तो नीचे लग जाएगा नारियल, तो इसको चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना, चलाते ही रहना है, अच्छे से खूब मिल जाए चीनी, बिल्कुल मतलब सोख जाए नारियल, फिर आपको लगे कि देखो कढ़ाई को छोड़ने लगा है नारियल। ये देखिए तब तक चलाते रहना है जब तक नारियल खुद खड़ा है, कढ़ाई को छोड़ने ना लगे, तब तक चलाते रहना है। तो देखो रेडी होने वाला है, फिर मैंने गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए छोड़ने लगा अब कढ़ाई को नारियल, फिर मैंने गैस बंद कर दी। थोड़ी देर तक इसको ठंडा करेंगे, निकाल लेंगे अलग बर्तन में। ये देखिए अच्छे से मिल गया है दूध भी चीनी भी, और इसमें मिल्क पाउडर भी डालते हैं। मेरे पास मिल्क पाउडर नहीं था तो मैंने इसमें काजू पीस के डाल दिए थे, वो मैं दिखा नहीं पाई थी, इसमें मैंने काजू भी डाले हैं पीस कर, और नहीं तो मिल्क पाउडर डालो तो और अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने काजू को डाल दिया था। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा कटोरी में अलग बुरादा निकाल लिया था, तो ऐसे धीमे धीमे गोल गोल बना लेंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं खाने के लिए, बच्चे वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं वाह मम्मी ये तो रेडीमेड मार्केट जैसे लग रहे हैं लड्डू। तो काफ़ी अच्छे बन गए थे, मैंने पहली बार ट्राई किए थे, बच्चों को मीठा खाना था तो मैंने कहा चलो ये देखिए रेडी हो गए मेरे लड्डू बनके। सबसे पहले मैं लगाऊंगी भगवान को भोग, उसके बाद बच्चों को दूंगी। तो आगे बने रहिए ब्लॉग में, आप लोग भी खा लीजिए आके, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को भी खिलाएं। ये देखिए दोनों कैसे वेट कर रहे हैं खाने के लिए, मुँह बार बार मेरे तीनों बच्चों को बहुत मीठा पसंद है खाने के लिए। तो इधर चले हम पहले लड्डू गोपाल को लगाएंगे, मैं कुछ भी बनाती हूँ पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ, उसके बाद बच्चों को देती हूँ। तो ये लीजिए, ये भी मेरे एक नन्हे से छोटे से लड्डू गोपाल हैं, उनको पहले खिलाऊंगी।
काफ़ी अच्छे बन गए। मैंने तो सोचा नहीं था कि मुझसे बन पाएंगे, मैंने कभी नहीं बनाए, पहली बार बनाए हैं। कुछ था ही नहीं तो बच्चों को मिठाई खानी थी, तो मैंने कहा चलो नारियल रखा है उसको कद्दूकस करते हैं, और बढ़िया बना डाला। तो फिर अब बच्चों को देंगे, ये देखिए टूट पड़े बच्चे। तो आगे बने रहिए आप लोग भी। बन बन, हाँ कैसा टेस्ट है? यम्मी, बहुत अच्छे। कैसे, मार्केट जैसे? बनी बनी बनी, खाओ खाओ पूरा खाओ पूरा खाओ। ऐसे वाह, बाय बोलो सबको, सब्सक्राइब कर दे बोलो सबको। बनी भी बोल रहा है, बाय बाय बोलो बनी।